तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक जॉम्बी मूवी को जिसको हाल ही में रिलीज किया गया है। इस मूवी का नाम है जॉम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड। दोस्तों इस मूवी की स्टोरी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है, तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी की तरफ चलते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है अकीरा नाम के एक लड़के से जो कि जॉम्बीज से अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। उसके पीछे कई सारे जॉम्बीज पड़े हुए होते हैं, लेकिन इतनी खतरनाक सिचुएशन में अकीरा के मन में एक ही सवाल आ रहा होता है, वो ये कि कहीं वो ऑफिस के लिए लेट ना हो जाए। इसके बाद यहाँ से ये कहानी जाती है एक साल पीछे। हमें अकीरा को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा खुश था। दरअसल अकीरा की जॉब का आज पहला दिन था। अकीरा की नौकरी एक बहुत बड़ी कंपनी में लगी थी। जब अकीरा कंपनी में पहुंचता है तो उसका वेलकम किया जाता है। अकीरा को यहाँ पर एक लड़की मिलती है जो कि उसी कंपनी में काम करती थी। उस लड़की का नाम साउरी होता है, जिसे देखकर अकीरा उसे लाइक करने लगता है। अकीरा को ये कंपनी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। लेकिन अकीरा की ये खुशी ज्यादा दिन की नहीं थी। समय के साथ अकीरा को पता चलता है कि ये कंपनी अपने एम्प्लॉयज से बहुत ही ज्यादा काम कराती है, और साथ ही यहाँ पर जो अकीरा का टीम लीडर होता है जिसका नाम कोसुकी है, वो अकीरा को इतना ज्यादा काम देता है कि उसे दो दिन तक ओवर टाइम लगाना पड़ता है। एक दिन अकीरा अपने दोस्त केंचो से मिलता है। केंचो अकीरा को बोलता है कि तुम्हें जॉब को छोड़ देना चाहिए और अपनी लाइफ अपने तरीके से जीनी चाहिए। वहीं केंचो अपनी जिंदगी से बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वहीं केंचो एक ब्यूटीफुल मॉडल को डेट भी कर रहा होता है। अकीरा को यह देखकर केंचो से जलन होने लगती है और अकीरा केंचो को एक पुरानी बात के लिए दोष देने लगता है। दरअसल अकीरा कॉलेज टाइम में रग्बी खेला करता था, लेकिन फाइनल मैच में अकीरा की टीम हार गई क्योंकि उस समय केंचो ठीक से नहीं खेल पाया था। इस बात को लेकर अकीरा केंचो से बोलता है कि अगर तुम उस समय ठीक से खेल लिए होते तो आज हम चैंपियनशिप जीत जाते। और अब यहाँ पर अकीरा और केंचो के बीच में बहुत ही ज्यादा झगड़ा हो जाता है। यहाँ पर कंपनी के माहौल से अकीरा पूरी तरह से टूट चुका था। एक दिन अकीरा सुसाइड करने के बारे में सोचता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता और उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि वो इस कंपनी को छोड़ दे। एक दिन अकीरा की आंख खुलती है, लेकिन अकीरा अपने आप से ही बोल रहा होता है कि आज मुझे ऑफिस नहीं जाना। लेकिन इसके बाद भी अकीरा रेडी होकर ऑफिस जाने के लिए निकलने लगता है। वो जैसे ही अपने अपार्टमेंट से नीचे आता है, अकीरा अपने सामने का नजारा देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो देखता है कि उसका नेवर एक ज़ॉम्बी में बदल चुका है और उसका नेवर एक इंसान को मारकर बुरी तरह से खा रहा होता है। और तभी अकीरा का नेवर जो कि ज़ॉम्बी बन चुका है वो अकीरा की तरफ आने लगता है। अकीरा वहां से ऊपर भागने लगता है, लेकिन तभी उसके पीछे बहुत ही सारे ज़ॉम्बी पड़ जाते हैं। अकीरा को कुछ भी समझ में नहीं आता कि अचानक से इतने सारे ज़ॉम्बीज कहां से आ टपके। अकीरा अपनी जान बचाने के लिए बिल्डिंग की छत पर आकर अपने आप को लॉक कर लेता है। छत के आसपास लोहे की सलाखें लगी होती हैं जिससे ज़ॉम्बीज अकीरा के पास नहीं आ पाते। अकीरा अपनी बिल्डिंग की छत से देखता है कि लोग ज़ॉम्बी बनकर एक दूसरे को ही मारकर खा रहे हैं। पूरे टोक्यो शहर में तबाही का मंजर होता है और यहाँ पर अकीरा ये सोचकर बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है कि आज उसे ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। अकीरा को यहाँ पर साउरी की चिंता होने लगती है। वो उसे मैसेज करके पूछता है कि तुम कहाँ पर हो, तुम ठीक हो या फिर नहीं। साउरी का रिप्लाई आता है कि मैं ठीक हूँ, और साउरी अकीरा को अपनी लोकेशन सेंड करती है। अकीरा उस लोकेशन पर जाने लगता है। अकीरा जब बिल्डिंग की पाइप से नीचे उतर रहा होता है तभी उसे उसके पड़ोसी कपल नजर आते हैं जो कि अपनी जान बचाने के लिए ज़ॉम्बीज से छिपे हुए थे और उनके पास ज्यादा फूड सप्लाई भी नहीं बचा था। अकीरा उस कपल से वादा करता है कि जब वो वापस आएगा तो उनके लिए बहुत सारा खाना लेते आएगा। इसके बाद अकीरा ज़ॉम्बीज से बचते हुए साउरी की भेजी गई लोकेशन पर पहुंच जाता है। अकीरा जैसे ही रूम के अंदर आता है वो देखता है कि रूम का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था और रूम की हालत बहुत ही ज्यादा बेकार थी। तभी अकीरा को साउरी मिलती है जो कि काफी ज्यादा डरी हुई होती है। अकीरा देखता है कि वहां पर उनकी कंपनी का मालिक भी होता है जो कि पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका होता है। वो अकीरा पर हमला कर देता है, लेकिन अकीरा किसी तरह उसे मार गिराता है। और यहाँ पर अकीरा को पता चलता है कि साउरी का अफेयर कंपनी के मालिक के साथ चल रहा था और साउरी भी अब तक पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुकी थी। वो अचानक से एक ज़ॉम्बी में बन जाती है और अकीरा पर हमला करने की कोशिश करती है। अकीरा को ये देखकर बहुत ही ज्यादा दुख होता है और अकीरा वहां से किसी तरह निकल जाता है। इसके बाद जब अकीरा उसी पाइप के जरिए अपने रूम की तरफ जा रहा होता है तभी इसी दौरान अकीरा अपने पड़ोसी कपल के रूम की हालत देखता है जो कि बहुत ही ज्यादा बदतर हो चुकी थी। ये देखकर अकीरा समझ जाता है कि शायद उस कपल पर ज़ॉम्बीज ने हमला कर दिया। इसके बाद अकीरा अपने रूम के अंदर आता है और सोचने लगता है कि अब उसे क्या करना चाहिए क्योंकि वो ज़ॉम्बीज का शिकार बनना नहीं चाहता। अकीरा तय करता है कि वो अब अपने तरीके से जिएगा। इसके बाद अकीरा एक नोटबुक निकालता है और उन कामों की लिस्ट बनाता है जो काम वो हमेशा से करना चाहता था।
लेकिन इन कामों को करने के लिए कभी भी अकीरा को टाइम नहीं मिला, जैसे कि अपने रूम की सफाई करना, कैंपिंग करना, बहुत सारी शॉपिंग करना और भी बहुत कुछ। अगले दिन अकीरा अपने रूम की सफाई करता है और ज़ॉम्बी से बचते हुए अकीरा मार्केट आता है, जहाँ से वो बहुत सारा फूड सप्लाई ले लेता है। इसके बाद अकीरा एक बहुत बड़ी क्रैकर शॉप में आता है और वहाँ से अकीरा बहुत सारे पटाखे अपने पास रख लेता है। लेकिन जब अकीरा वहाँ से वापस जा रहा होता है, तभी उसके पीछे कई सारे ज़ॉम्बीज पड़ जाते हैं। तो अकीरा अपनी साइकिल छोड़ के एक बाइक लेकर वहाँ से निकल जाता है। और इसके बाद जब रात होती है तो अकीरा सारे क्रैकर आसमान में छोड़ देता है। अकीरा को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। अगली सुबह अकीरा बिल्डिंग की छत पर कैंपिंग करने लगता है। अकीरा के पास यहाँ पर उसकी फेवरेट डिशेज भी होती हैं, लेकिन तभी अकीरा देखता है कि उसके पास सॉस खत्म हो चुका है। इसीलिए अकीरा सॉस लेने के लिए एक शॉप के अंदर आ जाता है। शॉपिंग के दौरान अकीरा पर कोई अटैक कर देता है और एक लड़की होती है जिसका नाम सिजुका होता है। तभी इन्हें बाहर से एक आदमी की चिल्लाने की आवाज़ आती है और अकीरा बिना कुछ सोचे समझे उस आदमी की मदद करने के लिए बाहर चला जाता है। अचानक से वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। तभी सिजुका एक स्पीकर में म्यूजिक बजाकर ज़ॉम्बीज को डिस्ट्रैक्ट कर देती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन ज़ॉम्बीज की सुनने की शक्ति बहुत ही ज़्यादा तेज है। ये ज़ॉम्बीज आवाज़ को फॉलो करते हैं। इसके बाद सिजुका वहाँ से जाने लगती है, लेकिन अकीरा उससे बात करने की कोशिश करता है कि हम दोनों को एक साथ ही रहना चाहिए। लेकिन सिजुका उससे ये कहकर चली जाती है कि अकीरा जैसे बेवकूफ लोगों के साथ वो बिल्कुल भी रहना नहीं चाहेगी, जो लोग दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान को मुश्किल में डाल दे। इसके बाद अकीरा को घर पर दिखाया जाता है। यहाँ पर अकीरा को अपने दोस्त केंचो की याद आने लगती है। अकीरा केंचो को फोन करता है। केंचो अकीरा को बताता है कि वो एक होटल के अंदर छिपा हुआ है। केंचो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है क्योंकि उसके आसपास कई सारे ज़ॉम्बीज होते हैं। अकीरा केंचो से बोलता है कि मैं वहाँ पर आ रहा हूँ, और इसके बाद अकीरा अपनी बाइक लेकर वहाँ से निकल पड़ता है। अकीरा को रास्ते में कई सारे ज़ॉम्बीज मिलते हैं, लेकिन अकीरा उनसे बचते हुए होटल में आ जाता है, लेकिन वहाँ पर भी कई सारे ज़ॉम्बीज होते हैं। तो अकीरा एक ब्लूटूथ स्पीकर में म्यूजिक बजाकर ज़ॉम्बीज को डिस्ट्रैक्ट करके केंचो के पास आ जाता है। अकीरा केंचो से उन दोनों के बीच में हुए झगड़े के लिए माफी मांगता है। इसके बाद ये दोनों के दोनों ज़ॉम्बीज से बचकर एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। केंचो को अकीरा की वो नोटबुक मिल जाती है जिसमें अकीरा ने अपने फेवरेट कामों को करने की लिस्ट बना रखी होती है। केंचो अकीरा से पूछता है कि तुम और क्या करना चाहोगे, तो अकीरा अपनी नोटबुक में एक और काम लिखता है कि वो सुपर हीरो की तरह सभी लोगों को बचाना चाहता है। केंचो अकीरा को मोटिवेट करता है और अब ये दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ रहने का वादा करते हैं। केंचो अकीरा से बोलता है कि पूरे टोक्यो शहर में ज़ॉम्बीज फैल चुके हैं, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। लेकिन अकीरा केंचो से कहता है कि पहले हमें मैरीन एक्वेरियम जाना होगा क्योंकि वहाँ पर एक स्पेशल तरह का सूट है, अगर हमें वो सूट मिल जाए तो ज़ॉम्बीज हमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचा पाएंगे। मैरीन एक्वेरियम जाने से पहले अकीरा और केंचो ये दोनों के दोनों फूड सप्लाई लेने के लिए एक दुकान पर आ जाते हैं। तभी वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज एक पैसेंजर बस पर हमला कर देते हैं, जिससे बस का एक्सीडेंट हो जाता है। बस में मौजूद पैसेंजर अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग रहे होते हैं। अकीरा और केंचो ये दोनों के दोनों उन सभी पैसेंजर को ज़ॉम्बीज से बचाते हैं और दुकान के अंदर ले लेते हैं। और यहाँ पर अकीरा देखता है कि उन पैसेंजर में सिजुका भी थी। यहाँ पर पता चलता है कि वो बस मैरीन एक्वेरियम जा रही थी। लोगों को पता चला था कि मैरीन एक्वेरियम में एक बहुत बड़ा शेल्टर है जिससे ज़ॉम्बीज से बचा जा सकता है, और वहाँ पर ढेर सारी मछलियाँ भी हैं, यानी कि लोगों को खाने की भी कमी नहीं होगी। तभी हम देखते हैं कि उन पैसेंजर में एक आदमी ज़ॉम्बीज से इन्फेक्टेड होता है, लेकिन बाकी सभी को ये बात बिल्कुल भी नहीं पता थी। और तभी अगले पल वो आदमी ज़ॉम्बी बन जाता है और वो सब पर हमला करने की कोशिश करता है। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं। यहाँ पर जो सिजुका होती है वो पटाखों के जरिए ज़ॉम्बी को डिस्ट्रैक्ट कर देती है। और इसके बाद अकीरा केंचो और सिजुका ये तीनों के तीनों अपनी जान बचाकर बाहर आ जाते हैं। बाहर इन्हें एक आरवी खड़ी मिलती है जिसके जरिए ये तीनों के तीनों यहाँ से निकल जाते हैं। अब क्योंकि अकीरा और केंचो ये दोनों के दोनों मैरीन एक्वेरियम जा रहे थे, तो ये दोनों के दोनों सिजुका को भी अपने साथ चलने को कहते हैं। पहले तो सिजुका इन दोनों को मना कर देती है, लेकिन अकीरा किसी तरह सिजुका को कन्वेंस कर लेता है। लेकिन ये तीनों मैरीन एक्वेरियम जाने से पहले बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं, जैसे कि सर्फिंग करना, पैराग्लाइडिंग करना और हॉट स्प्रिंग वाटर में नहाना। और अब यहाँ पर सिजुका नहीं चाहती कि वो अकीरा और केंचो से इन दोनों से अलग हो। इसके कुछ दिनों बाद ये तीनों के तीनों मैरीन एक्वेरियम आ जाते हैं, लेकिन रास्ते में किसी ने नुकीली कील बिछा रखी थी जिनसे इनकी आरवी का टायर पंक्चर हो जाता है और इनकी आरवी का एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद जब अकीरा को होश आता है तो उसके सामने उसका टीम लीडर कोसुकी होता है। दरअसल कोसुकी यहाँ पर कंपनी का एड शूट करने के लिए आया था, और ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होते ही कोसुकी ने इस जगह को अपना ठिकाना बना लिया। और यहाँ पर जो भी लोग शेल्टर लेने के लिए आते, कोसुकी उन लोगों से बहुत ही ज्यादा काम करवाता, यानी कि कोसुकी ने इस जगह को
पूरी तरह से एक कंपनी की तरह बना दिया था। यहाँ पर अकीरा के पड़ोसी कपल भी होते हैं। साथ ही अकीरा देखता है कि कोसुकी ने केंचो और सिजुका को इन दोनों को काम पर लगा दिया होता है। इनफैक्ट कोसुकी ने मेन गेट पर कई सारे ज़ॉम्बीज भी लगा रखे थे ताकि कोई चोरी छिपे अंदर ना आ सके। इसके बाद कोसुकी अकीरा को फिर से उसका काम करने को बोलता है, लेकिन यहाँ पर अकीरा कोसुकी से मना कर देता है। तो कोसुकी अकीरा को धमकी देता है और बोलता है कि अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम्हारे दोस्तों को ज़ॉम्बीज के सामने फेंक दूंगा। और अब यहाँ पर अपने दोस्तों के लिए अकीरा को उसकी बात माननी पड़ती है और अकीरा उसका काम करना शुरू कर देता है। यहाँ पर केंचो को कोसुकी के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उन्हें यहाँ पर बहुत ही कम खाना दिया जा रहा था और मेहनत डबल से भी ज्यादा कराई जा रही थी। इसके बाद केंचो और सिजुका ये दोनों के दोनों वहाँ से भागने का तय करते हैं। वो अकीरा को अपने साथ चलने के लिए भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अकीरा होता है वो यहाँ से वापस जाना नहीं चाहता क्योंकि यहाँ पर अकीरा को ये लग रहा होता है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा सेफ है। सिजुका यहाँ पर अकीरा को उसके कामों की लिस्ट दिखाते हुए बोलती है कि तुम तो अपने तरीके से जीना चाहते थे तो तुम्हें ये गुलामी छोड़नी होगी, अपने ऊपर विश्वास रखना होगा क्योंकि ये जगह अभी तो सेफ है लेकिन कब तक सेफ है इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। और अब अकीरा को यहाँ पर सभी बातें समझ में आने लगती है। यहाँ पर कोसुकी होता है, वो अकीरा को भड़काने की कोशिश करता है लेकिन अकीरा कोसुकी की एक भी बात नहीं सुनता। वहीं बाहर दिखाया जाता है कि एक ज़ॉम्बी फूड सप्लाई के ट्रक के अंदर घुस जाता है और इसी अफरा तफरी में सभी ज़ॉम्बी आजाद होकर एक्वेरियम के अंदर आकर लोगों पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि उन ज़ॉम्बीज को यहाँ पर एक शार्क भी खा रही होती है। कोसुकी यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए अपने दोस्तों को ज़ॉम्बीज के ऊपर धक्का देकर वहाँ से भागने लगता है। वहीं अकीरा, केंचो और सिजुका ये तीनों बाकी सभी लोगों को ज़ॉम्बीज से बचाने के लिए सभी लोगों को एक सेफ कमरे में ले आते हैं, लेकिन अकीरा का लीडर कोसुकी बाहर ही रह गया था, इसीलिए अकीरा उसकी जान बचाने के लिए केंचो के साथ बाहर आ जाता है। और तभी एक शार्क पानी में से बाहर आ जाती है। ये शार्क भी पूरी तरह से ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड हो चुकी थी। और अभी ज़ॉम्बी शार्क सभी लोगों पर हमला करने की कोशिश करती है तो अकीरा वही स्पेशल सूट पहनकर आता है जिसके लिए वो यहाँ पर आए थे। और इसके बाद हमें यहाँ पर अकीरा सभी लोगों को बचाता नजर आता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी शार्क उन सब पर भारी पड़ती नजर आ रही थी। सिजुका यहाँ पर स्पीकर बजाकर ज़ॉम्बी शार्क को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश भी करती है लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। तभी सिजुका को एक आइडिया आता है कि ज़ॉम्बी शार्क को इलेक्ट्रिक करंट से मारा जा सकता है, तो सिजुका दो बैटरीज को केंचो की तरफ फेंकती है। वहीं अकीरा उस ज़ॉम्बी शार्क से बचने की कोशिश कर रहा होता है, तभी केंचो अकीरा की तरफ वही बैटरीज को फेंक देता है और अकीरा किसी तरह उन दोनों बैटरीज को शार्क के मुंह में डाल देता है जिससे शार्क की बॉडी में इलेक्ट्रिक करंट फैल जाता है और शार्क मौके पर ही खत्म हो जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि जो भी लोग बच गए होते हैं वो लोग वहां से जाने लगते हैं। साथ ही हमें अकीरा, केंचो और सिजुका को दिखाया जाता है जो कि उस आरवी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। अकीरा की लिस्ट में सिजुका अपने डॉक्टर बनने का सपना ऐड करती है और यहां पर केंचो होता है वो कॉमेडियन बनने का सपना ऐड करता है। और इसी के साथ ही ये मूवी यहां पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों मैं आपसे मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल एंड कीप सपोर्ट।